सिस्टम की नाकामी ने हल्द्वानी को बनाया नया शाहीन बाग। सियासत दा चिंगारी को भड़काने में जुटे 50,000 लोगों पर लटकी बेघर होने की तलवार। कौन है इस हालत का जिम्मेदार? ठंडे प्रदेश उत्तराखंड में सियासत की तपिश अब झुलसाने को बेकरार है। आक्रोश की एक छोटी सी चिंगारी कभी भी बड़ी ज्वालामुखी में तब्दील हो सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों की एक गलती नासूर बन सकती है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। 4,365 घर, 8 से 10 मस्जिद, 2 मंदिर, 2 सरकारी इंटर कॉलेज, 6 प्राइवेट स्कूल, इन्हें खाली करने का आदेश हो चुका है। यह आदेश उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसे बनभूलपुरा कॉलोनी को हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। इसमें 50,000 लोग बेघर हो जाएंगे। इन 50,000 लोगों की आस अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। लेकिन इससे पहले हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका दूसरा शाहीन बाग बनता जा रहा है। अपने सर से छत छिन जाने के फरमान के बाद हजारों की संख्या में महिला और पुरुष सड़कों पर हैं। इनमें सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की है। अब इसी अल्पसंख्यक वोट पर नजर गड़ाए सियासतदा हल्द्वानी में आग लगाने की साजिश रच रहे हैं। भीड़ में उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी, क्या BSP, क्या कांग्रेस, सभी यहां सियासत कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौन अनशन पर बैठ गए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो मुंह खोल ही नहीं सकते। मुंह खोलें तो खोलें कैसे, कैसे बताएं कि सरकार तो उनकी भी रही है। उन्होंने इस पूरे इलाके के लोगों को राहत देने के लिए कभी कोई प्रयास किया ही नहीं, क्योंकि मामला कोर्ट पे चल रहा था। आज वही हरीश रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राहत की उम्मीद लगाकर बैठे। जो राजनेता आज सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि इसमें सरकार का कोई कसूर नहीं, क्योंकि यह हाईकोर्ट का आदेश है और सरकार तो इससे पहले नजूल नीति लेकर आई थी। अगर मामला कोर्ट में नहीं चल रहा होता तो शायद इन लोगों को भी नजूल नीति से राहत मिल गई होती। अस्तित्व न्यूज के लिए हल्द्वानी से ओवैस सिद्दीकी की रिपोर्ट।